गिरिबत देश का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य के राजा थे चंद्रसेन और रानी भद्रा देवी। राजा और रानी अपने प्रजाओं के प्रति बहुत भावुक थे, लेकिन प्रजा राजा और रानी से बहुत रुष्ट थे, क्योंकि राजा निसंतान था। माँ, मुझ पर कृपया करो, कृपया करके इस राज्य में एक कुलदीपक दे माँ। राजा, तुम्हारे पूजा से मैं संतुष्ट हुई। सुनो, नगर के पास के मंदिर में एक सन्यासी आए हैं, तुम लोग जाके उनसे मिलो, वो तुम लोगों की सारी समस्या का समाधान करेंगे। सुबह होते ही राजा और रानी दोनों जाकर सन्यासी से मिले। महाराज, संतान तो आपको मिलेगा ही, उसके लिए आपको आवश्यकता है एक दिव्य अम्फल का। वो कहाँ मिलेगा सन्यासी जी? सही पता मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से ये दिव्य अम्फल मिल सकता है, लेकिन फल लाना पड़ेगा तुम्हारे किसी प्रजा को। सुनो सुनो सुनो, एक सन्यासी के बातों के अनुसार महारानी अगर दिव्य अम्फल को खाएंगी तो उन्हें संतान प्राप्त हो सकता है, लेकिन उस दिव्य अम्फल को लाने के लिए हमारे राज्य की किसी प्रजा को जाना पड़ेगा। जो जाना चाहता है वो राजा से आके मिले। प्रणाम महाराज, मैं रानी माँ को दिव्य अम्फल लाके दे सकता हूँ, लेकिन वो फल कहाँ मिलेगा बता देते तो। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन हाँ सुना हो कि पश्चिम दिशा की ओर जाने से वह दिव्य फल मिल सकता है। मैं चलता हूँ प्रणाम। प्रणाम चाचा जी। कौन हो तुम, क्यों आए हो तुम यहाँ? जी, मैं जात का वेद हूँ। मैं आया हूँ उदयगिरी राज्य से अपने राज्य की महारानी के लिए। मैं एक दिव्य आम फल लेने आया हूँ। वो आम फल सेवन करने से हमारी महारानी पुत्र लाभ करेंगी। उस दिव्य आम फल का पता बता सकते हैं? उस दिव्य आम फल के बारे में मैं भी सुना हूँ, और ये भी सुना हूँ कि असंभव कार्य को संभव कर देता है। मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये दिव्य अम्फल मुझे नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। यहाँ से तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ, समुन्दर के किनारे एक जलकन्या विश्राम कर रही होगी, उसे तुम जाके पूछना। जब तक वो ना बता दे तब तक तुम उस कन्या को नहीं छोड़ना, ठीक है बच्चा? ठीक है चाचा जी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, वो रही जल पड़ी। छोड़ो छोड़ो मुझे। दिव्य अम्फल का पता बताओ, तभी मैं छोड़ूंगा तुम्हें। फल के बारे में तू पूछ रहा है, उससे पहले मैं तुझे निगल जाऊंगी। दुष्ट इंसान, एक कन्या के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है तुझे नहीं पता है? हाँ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तभी मैं छोड़ूंगा। बोलो क्या पूछना चाहते हो? दिव्य अम्फल कहाँ मिलेगा? समुद्र के अंदर एक दीप है, उसी दीप में एक आम का पेड़ है, उसी आम के पेड़ को दिव्य आम फल कहा जाता है। लेकिन मैं समुंदर के दीप में कैसे जाऊंगा? तुम इस नाव में बैठो, ये तुम्हें ले जाएगा।
नाव में बैठकर समुन्दर के दीप में जाकर वो दिव्य फल समुन्दर में ढूंढ लिया, लेकिन ये क्या, नाव कहाँ चला गया? उस नाव की अब कोई जरूरत नहीं। ये क्या, राजा के पास मैं कैसे जाऊंगा? इस फल का नाम है दिव्य फल। इस फल के सहायता से तुम जहाँ मर्जी वहाँ जा सकते हो। तो हे दिव्य अम्फल, तुम मुझे मेरे राजा के पास ले चलो। महाराज, ये लीजिए दिव्य अम्फल। अब मैं चलता हूँ, प्रणाम महाराज। कहाँ जाओगे बैद, मेरे पास बैठो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे और मेरा आधा राज्य तुम संभालोगे। महाराज, राजा की उबेद को अपने पास बिठाया और अपना आधा राज्य क्यों सौंप दिया? बेतल, कारण यह है कि राजा का कोई संतान नहीं था और सन्यासी के बातों के अनुसार रानी दिव्य अम्फल खाती तो उन्हें संतान प्राप्त होता, लेकिन वो फल किसी प्रजा को लाना था, इसीलिए वेद उसे लाने गया था। वेद के वजह से राजा को संतान प्राप्त हुआ, इसीलिए राजा ने वेद को राज्य का आधा हिस्सा दे दिया। समझे तुम बेताल?